नमस्कार, आज मेरे साथ में जो है अशोक महतो जी के भाई हैं और इनका किसी परिचय का मोहताज नहीं है अशोक जी का, लेकिन आप बड़ा हैं या अशोक जी बड़ा हैं? हम बड़ा हैं। आप बड़े हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? राम बिरिक्ष प्रसाद। राम बिरिक्ष प्रसाद अशोक महतो जी के महिला भाई। शादी जो किए हैं उसका पर्पस सिर्फ इलेक्शन लड़ना था? हाँ, ऐसे भी शादी नहीं हुआ था, उनको विचार नहीं था, लेकिन इनको तो कोई उपाय नहीं था, इनको टिकट नहीं देते, इसलिए इनको पत्नी का टिकट मिला। सर, पूर्व विधायक प्रदीप महतो जी का कितना सपोर्ट मिल रहा है? सपोर्ट तो भरकर करिए रहे हैं, तो सपोर्ट किसे नहीं मिलेगा? मिल रहा है, पूरे पील के कर रहे हैं, लखीसराय क्षेत्र में कर रहे हैं। आज तो आ गए होंगे, यहीं होंगे। आज दुर्गा पाठ करा रहे हैं तो आज हाल है। अशोक महतो के बारे में कहा जाता है कि वो कुख्यात अपराधी, गैंगस्टर, बहुत सारा नाम दिया जाता है। सच्चाई क्या है? हम लोग के तो मारते मारते तबाह कर दिया कि हमको घर में छत पर आके गोली मार दिया। छत पर जब घर में गोली मार दिया तो बोलिए कोई आदमी के साथ ऐसा होगा तो बर्दाश्त करेगा? उसी समय वैसा हुआ, टेंशन हुआ, फिर शांति माहौल आया, ये भी चल गए भागलपुर, वहाँ जेले में रहे, अब छूट के आए, प्रयास किए, सबके शंका था कि अब छूट ही नहीं देगा ये सरकार, लेकिन कानून के हिसाब से छूट भी गए। ललन बाबू 3 महीना इनको रखे भी, बेल होने के बाद भी रखे शेखपुरा जेल में 3 महीना। अच्छा, 2003 का पहले का मंजर क्या था, मतलब जिसके कारण अशोक महतो जी ये सब लाइन चुने, क्या कारण था? लाइन नहीं चुने, जब किसी को स्थिति आ जाता है तो करने पड़ता है। अभी जरूरत पड़ा तो 2-4 आदमी आ गए, ये लोग वैसे ही आदमी साथ होते गए उनमें। लड़ाई शुरू कहाँ से हुआ था? शुरू तो हुआ था, हम लोग के आपसी बात था, स्टेट के जमीन था, स्टेट वाला जमीन हम लोग जोत कोड़ कमा खा रहे थे, उसी में अखिलेश सिंह के आदमी आता था, गोली चला देता था, होते होते अखिलेश सिंह खुदे आके वो मर्डर कर दिया। छत पर औरत खड़ी थी, गोतिया घर के पुतहू, स्टार्ट तो वहीं से हुआ। कहा जा रहा है कि जमीन की वर्चस्व को लड़ाई को लेकर लड़ाई चल रहा था। जमीन तो हम लोग जोतिए रहे हैं, आज भी जोत रहे हैं, वो जमीन आज भी जोत रहे हैं, आज भी जोत रहे हैं, समूचे गांव के बांट के दे दिए थे जी। बांस से नाप के स्टेट का जमीन था, समूचे गांव के बांट के दे दिए थे, जितना आदमी इसमें केस लड़ रहे थे सबको दिए थे बांट के। मसीहा कब बन गए अशोक महतो? कहा जाता है कि बैकवर्ड समाज के मसीहा बन गए, कब लगा कि मसीहा बन गए हैं अशोक महतो? कब लगा नहीं, जब इस समाज में समझ आया कि अशोक महतो सही काम कर रहे हैं तो इनको साथ देना शुरू हुआ, जनता साथ दिया, लोग इन्हें भगवान कहते हैं, जो समझिए। अच्छा, क्या पहले जैसा ही यहाँ माहौल है जो पहले माहौल था? ना, पहले ऐसा माहौल कहल रहेगा, पहले बहुत खराब माहौल था। हम लोग भी गांव छोड़ के भाग गए थे, वो रोड के उस साइड गांव छोड़ के भाग गए थे। अच्छा, इतना गोली चला दिया आके यहाँ अखिलेश सिंह के आदमी। अच्छा, अशोक महतो जब छूट के जब गाँव आए तब कैसा माहौल था गाँव वालों का? बहुत बढ़िया, आज भी वही है। हाँ, आज भी वही माहौल है। हम सवेरे अभी देखिए उधर से गए, एगो झंडा इधर से लेके गए कि भाई वोट दीजिए लालटेन में, तो सब वही बात था। आप मुंगेर नहीं गए प्रचार करने के लिए? हम नहीं गए, नहीं गए। अब कोई आदमी कैसा आवेंगे, उनको भी तो इज्जत सत्कार करना है, एक गिलास पानियों अगर पिला दिए तो बहुत अच्छा बात है, अगर पनिए के जरूरी चाहिए। इसका झंडा लगाने के लिए गए थे आप? हम तो लालटेन के गए थे। अच्छा, तो गांव का भी उसी में खड़ा है लालटेने से, हम भी लालटेने को यहाँ भी हम लोग भी लालटेने को दे रहे हैं। तो आपका गांव में सारा वोट किधर पड़ेगा इस बार? लालटेन के पड़ेगा पूरा। कैसे कह सकते हैं कि लालटेन को पड़ेगा? देखिए, ये हो नहीं सकता है कि दूसर के देंगे, जो आदमी साथ दिए हैं तो उनको तो चाहबे न करेंगे जनता। अभी 2-4 घर में देखिए झंडा लग भी गया, हम ले गए तो। हाँ, गांव वाला आप लोग से डरता भी होगा? कहाँ, नहीं, ये सब भी तो गांव एक आदमी पूछ लीजिए। हाँ, क्या चीज़ के डर भाई। अच्छा, आप सब डरते होंगे? नहीं सर। क्या बोले? नहीं, डर से नहीं। डर नहीं लगता अशोक जी से? नहीं।
क्या कहते हैं जब वो आते हैं तो मिलते हैं तो आप क्या पूछते हैं उनसे? हम उनसे पूछते हैं, राम सलाम करते हैं, बैठा रहते हैं, पूछते हैं नहीं कुछ, ये बात है। आपका वीडियो वायरल हो रहा था, आप क्या कहते हैं अशोक जी से जब मिलते हैं तो? वही प्रणाम पाती करते हैं, हाल चाल आपको जी, लेकिन डर अशोक महतो से नहीं है। और लोगों से भी डर है अब? नहीं, जिन लोग से लड़ाई वगैरह चलता था कुछ नहीं, उससे भी अब हम लोग का डर नहीं है। कैसे कैसे ये सब घटना होता था पहले? ये तो पहले हम तो बोले कि पहले समझो कि उस वाके यहाँ जो कि हमारी अशोक महतो ये सब के हाल नहीं जानते थे, लेकिन अब उधर से आया के कुल की हिम तभी खड़ा हो गया, खड़ा हो गया तो हो गया महाजूद, महाजूद हो गया तो फिर समझो कि उसी में चलते चलते बहुत भारी विवाद हो गया। तो चुनाव लड़ रहे हैं और आप उनके साथ में, सुनने में आया कि रहते भी थे, साथ भी देते थे, तो चुनाव वो जीतेंगे मुंबई से? हाँ हाँ क्या बोले? हम लोग जाएंगे, जीतेंगे कहाँ? तो आप लोग तो नवादा में दीजिएगा ना, लल्टन मच में नहीं देंगे। हाँ तो प्रचार करने के लिए जाइएगा मुंगेर, गलहो हल की ना है। हाँ, गेवे की नमनेशन, नमनेशन में जाइएगा 19 तारीख को। तेईस तारीख हो गया अब। हाँ, तेईस को तो आप जाइएगा नमनेशन में? हाँ जाएंगे। नहीं तो फिर यहाँ कौन सेवा करेंगे? वो एक दिन से कुछ नहीं होने जानी है, एक दिन निकल के जाएंगे, यहाँ वोट भी है, उससे पहले नहीं है। क्या माहौल है इनका, अशोक जी का कोई और इधर प्रभाव है? लोग जो है गलत सलत बोलते हैं। प्रभाव नहीं है, बहुत अच्छा प्रभाव है। सब कहता है गुंडा है, गुंडा है या हीरो है बताइए? गुंडा हीरो है, हीरो है, उसको बनाया कौन है? कौन बनाया उसको? समाज बनाया है, हीरो बना दिया अब हीरो बना दिया उसको, हीरो कहिए, समाज सेवी कहिए, जो कहिए, समाज के चक्कर में नू बना जे है? जब अमीर लोग हम लोग को परेशान करना शुरू किया है, करते 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 हम लोग तंग आ गए, तंग आ गए तो वो कुछ आगे बढ़ा, सब तो आदमी आगे बढ़ेगा नहीं, कोई एक आदमी दो आदमी आगे बढ़ेगा, हम लोग उसका सपोर्टर रहेंगे। अच्छा, रामबालक जी के बारे में आप बोल रहे थे, रामबालक जी और अशोक जी में क्या कैसा दोस्ती है? बहुत पुराना दोस्त। क्या क्या जानते हैं उनके बारे में आप? उनके बारे में कि उनका तो खेती बाड़ी तक हम लोग जोतते थे, जाके पहले उनको ट्रैक्टर नहीं था तो। हाँ, रामबालक जी को? रामबालक जी के हम लोग जोतवे करते थे पहले से, तालमेल उनसे चलिए रहा था हम लोग। अशोक माथुर जी का उनका कहना था कि मेरा जो लड़ाई है व्यक्तिगत किसी जाति से नहीं है, जो लोग हमसे लड़ते हैं सही, हम अभी भी लड़े हैं और सदा दिन लड़े रहेंगे, सही बात। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सही बात, जो नाजायज करेंगे तो कोई छोड़ तो नहीं देंगे, अभी भी अगर उनको कोई बार करेगा तो उसका जवाब क्यों नहीं देंगे, दिया जाएगा, कोई भी नहीं छोड़ेंगे नहीं। और कुछ लोगों का कहना है कि अब की अगर कोई ऐसा काम करते हैं सब महतो तो 17 साल ही रहे थे ना, अब की जिंदगी भर रहना पड़ेगा, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? हम क्या कहेंगे, जो कानून करेगा वो होगा, उनको कहने से भी नहीं होगा। अच्छा, नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, वो हेल्प किए आपके? नहीं नहीं, नीतीश कुमार ने किए ना, नीतीश कुमार क्या नेता है आपके समाज के? नहीं नहीं, नीतीश कुमार हम लोग के समाज के नेता हैं, लेकिन काम नहीं किए जो करना चाहिए। हाँ,